क्या नाम? साक्षी। साक्षी बैठ। जब ये पता चलता है ना कि निर्भर हूं, तो उसके साथ ही उस निर्भरता से छूटने का दरवाजा खुलता है, अपने आप खुलता है। कभी भी ये बोध अकेला नहीं आएगा कि मैं निर्भर हूं। कारण, बोध किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। अगर तुम निर्भर ही होते तो तुम जान कैसे जाते कि तुम निर्भर हो? बात को समझना। ये बोध कहां से आता कि तुम निर्भर हो? क्या जिस पर निर्भर हो वो तुम्हें ये बोध दे सकता है? तो इसका मतलब ये बोध तो निर्भर नहीं है, ये मेरा है, ये मेरी परम स्वतंत्रता से आ रहा है। जाना नहीं कि मुक्ति के दरवाजे खुल गए। जानना ही सब कुछ है, गहराई से समझ जाना ही सब कुछ है। और अगर ये पा रहे हो कि जान जान कर भी कर्म नहीं हो रहा, दरवाजे नहीं खुल रहे, तो समझना कि अभी जाना ही नहीं। फिर वही बात है जो वहां हो रही थी कि मक्खी अभी भी निकले जा रहे हो, मतलब अभी जाना नहीं है, मतलब अभी जानने में चूक है। और जानने में चूक का सिर्फ एक कारण होता है कि तुमने तय ही कर रखा है कि मुझे जानना नहीं है। तुम ये तय करना छोड़ो। फिर हमने आज जब बात शुरू हुई तो कहा था कि मन आदतों में जीता है, मन आदतों में जीता है। तुम जान भी गए तो पीछे से मन एक आखिरी चेष्टा जरूर करेगा। वो तुमसे कहेगा, जान तो गए हो पर मुक्त नहीं हो सकते, जब आज तक नहीं हुए तो कैसे हो पाओगे? और मन अपनी अकल से सही तर्क दे रहा है, क्योंकि उसकी दुनिया में कल वैसा ही है जैसा बीता हुआ कल था। मन में कुछ नया नहीं होता, वो तो एक बंद डब्बा है जो इतना ही जानता है कि जो अभी तक हुआ है आगे भी वैसा ही चलना चाहिए। वो कहता है भविष्य कुछ और नहीं है, अतीत की पुनरुक्ति मात्र है, अतीत ही दोहराया जाएगा, उसी का नाम भविष्य है। तो मन पीछे से तुमको तर्क देगा, वो कहेगा, अरे अपनी पूरी जिंदगी देख, तू आज तक कभी मुक्त हुई है? जब आज तक नहीं हुई तो आज तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया है? तो तुम्हारे बढ़ते हुए कदम भी थमेंगे। पीछे से एक आवाज आएगी, कदमों को थमने मत देना। आवाज जरूर आएगी पीछे से, तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा। और आवाज सिर्फ यही तर्क देगी, बिल्कुल जो बता रहा हूं बात को पकड़ लो, सिर्फ यही तर्क देगी कि जब आज तक नहीं हुआ तो आगे कैसे हो सकता है? पर जो आवाज दे रहा है ना, वो अनाड़ी है, वो जानता ही नहीं कि कुछ नया भी होता है। उसको कुछ नहीं पता, वो तो खुद ना समझ है। तो उसकी आवाज पर ध्यान मत दो। देखो, और देखने से जो संभावना निकलती हो उस पर बेखौफ होके आगे बढ़ो, बिल्कुल बेखौफ होके आगे बढ़ो। भले कितना अजीब लगे, भले कितनी अकुलाहट सी लगे, भले ये दिखाई दे कि कोई आसपास वाला साथ नहीं चल रहा, भले ये भी दिखाई दे कि दो चार लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, भले ही अपना मन ये बोले कि तू कर क्या रही है, ये सब आवाजें उसी मन की हैं जो चाहता है कि तुम अपने पिंजड़े से बाहर ना निकलो। आवाजों पर ध्यान मत देना, आंख बंद करो, परमात्मा का नाम लो, आगे बढ़ो। समझ रही हो?